नमस्कार, इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल के सुपर मॉल से, जहां पर एक बार फिर जो है सभी स्पा सेंटर्स पर छापा पड़ा है, जिसके बाद आप देख सकते हैं पुलिस जो है रेड मारती हुई यहां पर शरेआम आपको नजर आ रही है। आप सभी से अपील करूंगी, इस खबर को देखिए, इस खबर को शेयर जरूर कीजिए। आप देख सकते हैं स्पा सेंटर्स है, थाई स्पा सेंटर है, यहां पर भी जो है रेड जो है पड़ी है। पुलिस वाले देख सकते हैं पहले ही अंदर मौजूद है, किस तरीके से लड़कियों को पकड़कर यहां पर बाहर निकाला जा रहा है। आपत्तिजनक हालत में लड़कियां जो है स्पा सेंटर्स में मिलती है, जिसके बाद आप देख सकते हैं पुलिस यहां पर बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। आप सभी से अपील करना चाहूंगे, इस खबर को देखिए, इस खबर को शेयर जरूर कीजिए। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, कुछ लड़कियां जो है यहां पर आपको नजर आ रही है, किस तरीके से जो है यहां पर स्पा सेंटर्स में काम किया करती थी, गलत काम किया करती थी, जिसके बाद जो है शरेआम इनको जो है पकड़ कर लेकर जाया जा रहा है। आप सभी से अपील, इस खबर को देखिए, इस खबर को शेयर जरूर कीजिए। सबसे पहले आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा के माध्यम से बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं करनाल के सुपर मॉल से। जी हाँ, करनाल में सुपर मॉल में जो स्पा सेंटर्स है, काफी गलत काम, आपत्तिजनक काम यहां पर चलते थे, जिसके बाद आप देख सकते हैं काफी लड़कियां जो है इस पूरे मामले में पकड़ी जाती है। अब इनको जो है पकड़ कर लेकर जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं बड़ी कार्रवाई करनाल पुलिस के द्वारा, जी हाँ बड़ी कार्रवाई यहां पर आप देख सकते हैं, किस तरीके से सभी लड़कियों को जो है पकड़ कर लेकर जाया जा रहा है। आप सभी से अपील करना चाहेंगे, इस खबर को देखिए, इस खबर को शेयर जरूर कीजिए। लाइव तस्वीर है हरियाणा के करनाल के सुपर मॉल से, आप देख रहे हैं किस तरीके से बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस जो है यहां पर नजर आ रही है। सभी स्पा सेंटर्स के अंदर जो है महिलाएं मौजूद थी, सभी को पकड़कर अब वैन में बिठाया जा रहा है। आप सभी से अपील करूंगी कि इस खबर को देखिए, इस खबर को शेयर जरूर कीजिए। आप देख सकते हैं स्पा सेंटर्स के नाम पर जो है गलत काम यहां पर किया जाता है, जिसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाओं को पकड़कर अब जो है इस कार में जो इस वैन में जो है बिठा लिया गया है। आपको बताना चाहेंगे, एक जो सिविल ड्रेस में जो यूनिफॉर्म में एक पुलिस वाला अंदर जाता है और अंदर जाकर पता करता है, तो वहां पर उनको पता लगता है कि यहां स्पा सेंटर्स में जो है गलत काम चल रहे थे, जिसके बाद आप देख सकते हैं पुलिस जो है यहां पर भारी तादाद में दलबल के साथ पहुंचती है और किस तरीके से बड़ी कार्रवाई करते हुए सुपर मॉल के स्पा सेंटर्स में नजर आ रही है। आप सभी से अपील करना चाहूंगी कि इस खबर को देखिए, इस खबर को शेयर जरूर कीजिए। किस तरीके से आप देख सकते हैं सुपर मॉल के स्पा सेंटर्स में, जितने भी अंदर स्पा सेंटर्स थे, सभी में जो है बड़ी कार्रवाई करते हुए करनाल पुलिस नजर आई है। आप सभी से अपील, इस खबर को देखिए, इस खबर को शेयर जरूर कीजिए। सबसे पहले आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा के माध्यम से, किस तरीके से जो है लड़कियां गलत काम करती हुई जो है स्पा सेंटर से पकड़ी जाती है, बड़ी कार्रवाई करनाल पुलिस के द्वारा। अब आप देख सकते हैं यहां से जो है सभी लड़कियों को पकड़कर लेकर जाया जा रहा है। जी हां, सभी लड़कियां, कम से कम यहां पर आपको बताना चाहेंगे 50 से 60 लड़कियां थी। जी हां, 50 से 60 लड़कियां यहां पर थी, और जब आप देख सकते हैं उनको पकड़कर यहां से लेकर जाया गया। आपको दिखाना चाहेंगे आगे की भी तस्वीरें जरूर। दोस्तों एक बड़ी खबर, जी हां बड़ी खबर, इस समय हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के सपा सेंटर में। आप देख सकते हैं यहां पर सुपर मॉल में इस समय मौजूद है और सपा सेंटर सुपर मॉल में खोले गए हैं, और यहां पर एक बड़ी कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, अंदर लेकर चलते हैं। सबसे पहले यहां ये देखिए, खाली बैठकर अपना और हमारा समय बर्बाद ना करें, तो देख सकते हैं चेतावनी पहले दे दी गई है और यहां पर बड़ी कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है। और ये वो सपा सेंटर है, दो सपा सेंटर यहां पर ये जरूर दिखाई दे रहे हैं, जिन पर कार्रवाई की गई है, बड़ी कार्रवाई की गई है। और कुछ संदिग्ध सामान मिला है जो गलत काम में यूज होता था, वो भी यहाँ पर बरामद हुआ है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ से बरामद हुई हैं, और पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया है कुछ लड़कियों को। दूसरा एक सपा सेंटर है, उसमें हम आपको लेकर चलते हैं, वहाँ पर हम आपको ज़रूर दिखाने का प्रयास करेंगे। ये सपा सेंटर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भी है, और इसके अलावा देख लीजिए कि अंदर मैं अगर आपको लेकर चलूँ, सबसे पहले देखें ये देखिए, यहाँ पर बिस्तर लगाए गए हैं, और ये सामान अपने आप में सारी पोल खोलते हुए दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से ये चीज़ें आप देख लीजिए कि किस प्रकार से ये गलत चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, जिनका यूज होता था गलत काम करने में, इन सब का यूज होता था। पुलिस क्यों जो है ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं करती है? ये देखिए, कमरों में बिस्तर लगातार यहाँ पर लगाए हुए हैं। इधर एक और कमरा है, यहाँ पर भी बिस्तर लगाए गए हैं, और काफ़ी ऐसी संदिग्ध चीज़ें यहाँ से बरामद हुई हैं, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ देखिए, नीचे भी बिस्तर लगाए गए हैं। दोस्तों देख लीजिए, कितना गलत काम इन सपा सेंटरों में किया जाता है, आप खुद समझ सकते हैं। और ये दिन दहाड़े यहाँ पर हो रहा है करनाल
सीएम सिटी है और सीएम सिटी में ये सब चल रहा है, ये खेल जो चल रहा है, क्या ये खेल है। इधर की तस्वीरें एक बार देख लें, देखिए यहाँ भी है, हालांकि सपा सेंटर के नाम पर ये सारा खेल चल रहा है, जो गलत कार्य हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं और इसके बावजूद भी ये खुले हुए होते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं। अपील करूँगा आप सभी से कि इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें और ये ऐसे सपा सेंटर आपको हर शहर में ऐसे सपा सेंटर आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी इन पर कार्रवाई जो है वो नहीं होती है। एक बार ज़रूर कार्रवाई हो जाती है लेकिन फिर इनको छोड़ दिया जाता है। और देख लीजिए हालाँकि क्या चीज़ें दिखाई गई हैं और अंदर क्या हो कुछ होता है वो आप खुद समझ सकते हैं। कमेंट कर आप अपनी राय ज़रूर दें दोस्तों कि ऐसे लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे सपा सेंटर खोले जाते हैं हर शहर में जिनमें दिखाया कुछ और जाता है लेकिन अंदर कुछ और होता है, और जो है पुलिस, कहा यह भी जा रहा है कि पुलिस को भी पता होता है लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई जो है, जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो इनको बैन किया जाना चाहिए, वो क्यों नहीं होता। अपील आप सभी से कि इस खबर को जितना ज़्यादा उसके शेयर ज़रूर करें। आज पुलिस यहाँ पर कार्रवाई की गई है और रेड की गई है, एक सूचना पुलिस को मिली थी और जब यहाँ पर रेड की गई और पुलिस ने देखा कि सब जो सूचना मिली थी सब सही है, उसके बाद यहाँ से लड़कियों को पकड़ा जाता है और पकड़कर जो है अब गाड़ियों में भर भर कर लेकर जाया गया है। देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पर जो लाइटिंग है, अट्रैक्टिव लाइटिंग है, उसके अलावा और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं। ये देखिए अन्य नशा एंट्री नहीं दी जाएगी लेकिन ये सब दिखावे के लिए ये सब लगाया गया है, अंदर कुछ और ही होता है। अपील है आप सभी से कि इस खबर को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें। जो आपत्तिजनक चीज़ें यहाँ पर मिली हैं वो भी हमने आपको दिखाई, तो आप खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट कर अपनी राय भी ज़रूर दें कि ऐसे जो ये चलाते हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।